गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पाठ 16 कवि कुल गुरु कालिदास के अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। किंचित यानी किसी के द्वारा, स्वाकुच्छो यानी अपनी कोख में, चपलता यानी चपलता के कारण, प्रबोध यानी समझा कर, स्वसुरालयम यानी ससुराल, दत्तचित्ते यानी एकाग्रचित, दिवा निशम यानी दिन रात, प्रसादेन यानी कृपा से। अब प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। मेघदूतम कस्य रचना अस्ति, यानी मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत कवि कुलगुरु कालिदास अस्ति, यानी यह मेघदूत कवि कुलगुरु कालिदास की रचना है। कालिदास से जन्म कदा हुआ, यानी कालिदास जी का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा ही है कि इनके जन्म में मतभेद हैं। कुछ लोग कुछ मानते हैं, लेकिन हम चैप्टर के अनुसार बता रहे हैं। तो कालिदास से जन्म मध्य प्रदेश है, उज्जैन नगर है, ईसा चतुर्थ शताब्दी पूर्वम अवत। अब तीसरा है, कालिदास कस्य राज्ञा सभायां रत्न में आसीत, मतलब कालिदास किस राजा की सभा में रत्न थे। तो कालिदास विक्रमादित्य राज्ञा सभायां रत्नम में आसीत, यानी कालिदास जी विक्रमादित्य के सभा में रत्न से सुशोभित थे। उज्जैनी कुत्र अस्ति, तो उज्जैनी मध्य प्रदेश अस्ति, यानी उज्जैन कहाँ है। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। कालिदास से जाया किम नाम आसीत, यानी कालिदास जी की पत्नी का क्या नाम था। तो कालिदास से जाया विद्योत्मा नाम आसीत, यानी विद्योत्मा नाम था। फिर हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास सर्वोत्तम कृतम अस्ति, यानी अभिज्ञान शकुंतला महाकवि कालिदास की सर्वोत्तम रचना है, सबसे अच्छी रचना है। अभिज्ञान शकुंतले शकुंतलाया दुष्यंत तस्य च कथा अस्ति, यानी अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला और दुष्यंत की कथा है। भरत शकुंतलाया दुष्यंत च पुत्र आसीत, भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। मेघदूते एकस्य यक्षस्य वीरस्य अति मार्मिक वर्णन अस्ति, यानी मेघदूत में एक यक्ष की विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है। यानी मेघदूत में एक यक्ष जो विरह से परिपूर्ण था, तो उसका मार्मिक वर्णन हम मेघदूत में पढ़ते हैं। कुमार शंभव में कार्तिकेय जन्म कथा अस्ति, और कुमार शंभव में कार्तिक के जन्म की कथा है। अब संधि देखिए बच्चों। संभवम धन अस्ति, यानी संभवम अस्ति, किम धन इदम किमिदम, प्रकृति धन च प्रकृत्यस्य, इति धन आकर्ण इत्याकर्ण, इच्छत मारयतु धन इच्छति मारयतच्छति। संधि विच्छेद अब करना है। कश्चित का धनचित वचना कर्ण्यम का वचनम धन अकर्ण, वाग्विवेश का वह धन अवशेष, अनेन का अनेनेव का अनेन धने इत्युचिते का इति धन उच्यते। अब हमें निर्देश अनुसार शब्द रूप लिखना है। तो भवत का षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा भवतः, अंगुली का द्वितीय विभक्ति द्विवचन अंगुली के, मुष्टिका का तृतीय विभक्ति एक वचन मुष्टिकया, संसार का सप्तमी विभक्ति एक वचन संसारे, जाया का षष्ठी विभक्ति एक वचन जाया। अब बच्चों हमें मूल शब्द और विभक्ति वचन लिखना है। मम का ये अस्मत विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। अपना नीन का अपमान तृतीय विभक्ति एक वचन। अशोक का असद शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति एक वचन। काव्येषु में काव्य शब्द रूप है सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। कवि 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 शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब निम्नलिखित प्रश्नों के हम उत्तर हिंदी में देना है। तो कालिदास का चयन वररुचि ने किसके लिए किया। तो कालिदास का चयन वररुचि ने विद्युत्मा के लिए किया था। विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे। तो विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे।
कालिदास पेड़ की टहनी कैसे काट रहे थे? तो कालिदास पेड़ की टहनी को काट रहे होते हैं जिस पर वे बैठे थे, यानी ऊपर टहनी में वो बैठे थे और नीचे से काट रहे थे उसे। फिर कालिदास किस देवी के भक्त थे? तो काली के। कालिदास की पांच रचनाओं के नाम लिखना है तो मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतला, ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंशम। अब कालिदास जी के बारे में हमें पांच वाक्य हिंदी से लिखना है। तो देखिए, महाकवि कालिदास का जन्म चौथी शताब्दी में हुआ था। शुरुआती जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में एक थे। उनकी शादी राजकुमारी विद्योत्मा से हुई थी। कालिदास जी काली के भक्त थे। अब सही मिलान करना है। कालिदास का रचना ऋतु श्रृंगार, भारवी की किरातर्जुनीय महर्षि मेही का सत्संग योग, माघ का शिशुपालवध, महर्षि संत सेवी का योग महात्म। तो बच्चों 15 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो 16 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो इन्हें आप फिल कर और मुझे सेंड करेंगे, आपका होमवर्क है। धन्यवाद।